मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। विश्व बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग के कारण अप्रैल जुलाई के दौरान व्यापारियों ने 30 से 35 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का गेहूं निर्यात कारोबारी साल 2021-22 में 70 लाख टन को पार कर गया है। गर्मियों के मौसम में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। नींबू की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन संकट के कारण देश से निर्यात हो रहा गेहूं मध्य प्रदेश के किसानों को अच्छे दाम दिला रहा है। निर्यात का गेहूं प्रति क्विंटल 350 से 400 रुपए तक का महंगा बिक रहा है। हरियाणा में इस बार सरसों और गेहूं की फसल एमएसपी से अधिक दाम पर बिक रही है। सरसों की फसल का भाव एमएसपी से 1500 रुपए से 2000 रुपए तक अधिक में बिक रहा है, जबकि गेहूं की फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30 से 50 रुपए तक अधिक में खरीदा जा रहा है। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद स्थानीय मांग कमजोर रहने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन कीमतों में गिरावट रही। हालांकि आयाती तेल महंगा होने से सोयाबीन, डिगम और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार आया है। विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई है। वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से मुद्रा के दबाव में आने के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.173 अरब डॉलर घटकर 606.475 अरब डॉलर पर आ गया है। मौसम की मार मिर्च के दामों पर भी पड़ी है। बता दें, जहां मार्च के मध्य तक मिर्च की कीमतें 40 रुपए प्रति किलो थी, वहीं अप्रैल की शुरुआत में ये दुकानों में 120 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गई है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन सोना और चांदी कीमतों में तेजी रही। सोना की कीमत 350 से 500 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल इसमें आया है। चांदी में आज 300 रुपए प्रति किलो की तेजी रही। असम के धुबरी से खाड़ी देशों में बिक्री के लिए कटहल और हरी मिर्च का निर्यात शुरू हो गया है। निर्यात का सामान पहले हवाई मार्ग से मुंबई भेजा जाएगा और फिर वहां से दुबई के लिए ये रवाना किया जाएगा। इस खेप में 1.5 टन कच्चा कटहल और 0.5 टन हरी मिर्च शामिल है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कीमतों में तेज वृद्धि से भारत का खाद्य तेलों का आयातित बिल 2 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। यूक्रेन में रूस द्वारा शुरू किए गए युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने से सूरजमुखी की कीमतें 1500 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 2050 डॉलर प्रति टन हो गई है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।